प्रणाम नमस्कार, हम है नीलू शंकर सिंह, आप सबके गोर लगातानी प्रणाम करतानी। आज बहुत देख रहा हूँ भीड़ लगा हुआ है, यहाँ पे क्राउड है, क्या कुछ चल रहा है जरा बताएं हमारे दर्शकों को। हम लोग अभी दुलरवा के सेट पर हैं, यहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही है। फिल्म का नाम है दुलरवा। इस फिल्म में लीड कर रहे हैं छोटू पांडे जी और उनके अपोजिट मैं हूँ यानी कि नीलू शंकर सिंह। दुलरवा जैसे कि होता है कि किसी माता पिता का दुलार वाला दुलरवा बोलते हैं इसको भोजपुरी में, क्या संदेश दे रही है सिनेमा ये? ये फिल्म के जरिए एक मैसेज है कि जो बेटा होता है माँ बाप का बहुत केयरिंग करता है। मैं स्टोरी नहीं अभी रिवील करूँगी, काफ़ी पारिवारिक फिल्म है ये। ये फिल्म हम पूरे फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। और आपके साथ और कौन कौन से हमारे साथ हैं? कुणाल सिंह जी हैं और माधुरी पांडे जी हैं, छोटू पांडे जी हैं, महेश आचार्या जी हैं, मैं हूँ और भी काफ़ी बहुत ही अच्छे अच्छे अन्य कलाकार हैं। सिनेमा के लोग कितना आप उत्साहित हैं इस सिनेमा पे? सिनेमा के लोग इस सिनेमा को लेकर कितना उत्साह है आपसे? मैं तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, एक्साइटेड हूँ कि इस फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी है। मैं जब स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, ये स्टोरी एकदम टचउट है, हार्ट को सीधा छूने वाली स्टोरी है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जल्द से शूट हो और मेरे प्यारे प्यारे ऑडियंस इस फिल्म को देखे और ढेर सारा प्यार दें। नीलू जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अभी तक कितने फिल्में एज ए हीरोइन की है आपने काम? मैं तो रायबरेली यूपी की रहने वाली हूँ और बिहार से भी मेरा संबंध है और मेरी 12 से 13 फिल्में हो चुकी हैं। जैसे कौन कौन से फिल्में हैं? काफ़ी सारे हैं, बेटवा बाहुबली 2, हमार बलवान, लज्जो, लव के लिए कुछ भी करेगा, दिल दीवाना प्यार में, हंगामा भइल प्यार में और प्रेम युद्ध, फिर बांध के रुपट्टा में दिल ले गई, सुहागन और फिर अभी ये कर रहे हैं दुलरवा, और भी काफ़ी फिल्में हैं। फिल्म के डायरेक्टर के बारे में क्या कुछ आपकी सोच है इस सिनेमा के बारे में? जी हाँ, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं चंदन सिंह जी, प्रोड्यूसर हैं रमेश सिंह जी और इस फिल्म के राइटर हैं सत्यप्रकाश मिश्रा जी यानी कि बैरागी बाबा। कहाँ ये इस वक्त शूट चल रहा है, लोकेशन का नाम बताएं? हम लोग अभी पनवेल में है, गुप्ता फार्म हाउस में शूट कर रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है। फिल्म में जैसे कि गीत संगीत नहीं होता फिल्म अधूरा लगता है, इस पे क्या आपका कहना है, कैसे गाने हैं? गाने काफ़ी अच्छे हैं, जैसे पारिवारिक फिल्म है तो पारिवारिक सॉन्ग हैं, जैसे कि एक लड़की की शादी हो जाना, एक लड़के से प्यार हो जाना, जो एक थोड़ा छोटा मोटा रोमांस सॉन्ग है, काफ़ी अच्छा गाना है। मतलब आपकी शादी भी होती है, मोहब्बत भी होता है आपका इसमें? हाँ, एक्चुअली अगर पारिवारिक फिल्म के साथ साथ अगर प्यार मोहब्बत थोड़ा सीन अगर ना दिखाया जाए, जैसे कि आजकल की लड़कियां जैसे स्कूल जाती हैं, संस्कारू रहती हैं, सलवार सूट पहनती हैं, उस टाइप का। फिल्म लाइन में ब्याह करना और रियल में ब्याह करना कितना कुछ अलग है? अलग है, फिल्म तो एक बस एक एक्ट होता है, हम बस कोशिश करते हैं कि ऑडियंस तक हमारी एक अगर शादी भी हो रही है तो एक रियल दिखाने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन जो मंत्र होती हैं, जो बोलते हैं पंडित जी, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन सेम लगभग तो सेम होता है, सिंदूर भी तो सेम ही भरते हैं ना। नीलू शंकर कब शादी कर रही है? हम शादी अब कब करेंगे अब पता नहीं, बट करेंगे तो ज़रूर। आपको तो पसंद है? है मेरे दिल का राजकुमार, वो समय आने पर मैं अपने दर्शक को और अपने प्यारे मित्रों को सबको बताऊंगी। मतलब वो मिल चुका है आपको राजकुमार? हाँ, मिल चुके हैं। चलिए, रानी चौधरी तो अभी ऐलान कर चुकी हैं कि हमारा दूल्हा ये है, आप अभी नहीं करने वाली हैं? नहीं, हम अभी नहीं ऐलान करेंगे, हम अभी शादी तो तभी करेंगे जब हम ऑडियंस को बताएंगे, ऑडियंस को बिना बताए तो हम शादी नहीं करेंगे। और मैं अभी तक रिवील नहीं करना चाहूँगी कि मेरे दिल के राजकुमार कौन है, लेकिन आने वाले समय में मैं जरूर बताऊँगी। शादी करना चाहते हैं जी, लोगों का दिल टूट जाएगा? दर्शक का दिल टूट जाएगा, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं अपने दर्शक का कभी दिल नहीं तोड़ना चाहूँगी, लेकिन शादी तो एक जीवन का पार्ट होता है, आज नहीं तो कल हम लड़कियों को तो करना ही पड़ेगा ना। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।